दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे किचन में। आज हम बनाएंगे हरे ताज़े मटर की दाल। इसके लिए हमने एक कटोरी मटर लिया है जिसको छील के, और हमने करीब 2 चम्मच अरहर की दाल ली है। अब कुकर में हम इसको धो के डाल देंगे दाल को। अब उसमें हम मटर को भी पलट देंगे। और करीब 2 चम्मच हम लहसुन अदरक और हरी मिर्ची के पेस्ट डालेंगे हम इसमें। और ये 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और ये कुटी हुई काली मिर्च, और ये एक मीडियम साइज का टमाटर चॉप किया हुआ, और ये धनिया पत्ती हम इसमें ऐड कर देंगे। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे, और करीब 2 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। सॉरी, हल्दी भूल गए थे, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। और अब इसका ढक्कन लगा के हम करीब 15 मिनट तक गैस पे हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे। उसमें जीरा डालेंगे, जीरा जब तक चटकता है उसमें हम लहसुन डाल देंगे, और लाल 2 लाल मिर्ची और 2 तेज़पत्ता हम उसमें डाल देंगे। ये दाल बहुत ही स्वादिष्ट होती है दोस्तों। अगर ये दाल आप बना के देखिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब ये मेरा सब तेज़पत्ता वगैरह सब चटक गया है। अब हम इसमें करीब चुटकी भर हींग ऐड करेंगे, और तुरंत हम प्याज डाल देंगे, एक मीडियम साइज का चॉप किया हुआ, और उसको अच्छे से चला के भून लेंगे हम। जब अच्छे से भून जाए तो उसमें हम बना हुआ दाल को पलट देंगे। देखिए, हमने पलट दिया है। कितनी स्वादिष्ट और कितनी खूबसूरत दिख रही है ये दाल। अब इसमें बचा हुआ कुकर में दाल वो भी पलट देंगे। ये देखिए, हमारी दाल बहुत ही अच्छी बनी है दोस्तों। आशा है आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा।